दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व में माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन साल 2022 में 28 सितंबर बुधवार को पड़ रहा है। देवी पुराण के अनुसार देवी दुर्गा के तृतीय स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए इनका नाम जो है चंद्रघंटा पड़ा। दोस्तों, चलिए जानते हैं माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है। माता का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा शेर पर सवार है। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र भी शामिल हैं। माथे पर बना आधा चांद इनकी पहचान है। अब जान लेते हैं गाइस, माता को प्रिय वस्त्र क्या है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में उपासक को यदि आप व्रत आदि रखते हैं तो आपको सुनहरे पीले रंग के वस्त्र या फिर स्वर्ण रंग के वस्त्रों का ही धारण करना जो है वो उचित माना गया है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं माँ को प्रिय भोग क्या है। माँ को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग ही लगाना चाहिए। पंचामृत, चीनी व मिश्री भी माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा करने की विधि। शरदीय नवरात्रि के तीसरे ब्रह्ममुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थान पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला आदि अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख बजाएं और या फिर घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा जो है वो ख़त्म होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है प्रवेश करती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर व दूध से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा व दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और उनकी आराधना करें व ध्यान करें। ध्यान रहे कि ये सब करते हुए आप अपने परिवार के साथ हों, तभी इसका फल जो है आपको और आपके परिवार को एक साथ जो है मिल पाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो गया तो माता पार्वती अपने मस्तक पर घंटे के समान चंद्राकृति धारण करने लगी। माता पार्वती का ही सुहागन अवतार माँ चंद्रघंटा कहलाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार जब महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था तब सभी देवी देवता उसकी मंशा से डर कर भाग गए थे, क्योंकि वह स्वर्ग पर अधिकार के लिए युद्ध कर रहा था। तब इंद्र समेत सभी देव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंच गए और महिषासुर की महत्वाकांक्षाओं से उन्हें अवगत कराते हैं। इससे त्रिदेव क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। सभी देवताओं ने उनको अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिसके फलस्वरूप माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके उनके अत्याचारों से देवताओं को मुक्ति दिलाई। इस वजह से यह देवी अपने भक्तों को साहस प्रदान करती है। उम्मीद करता हूँ माँ चंद्रघंटा आपके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखेंगी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी जानकारी भरा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।